मैं आपको ग्रामर का टॉपिक प्रीपोजिशन करवाऊंगा। आगे मैंने टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए थे और प्रयास करूंगा कम शब्दों में गागर में सागर अर्थात कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाने का। देखिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जरूर करना। जैसे प्रीपोजिशन है, इन शब्दों का थोड़ा सा गहराई से भाव समझो, ये अपने आप समझ आ जाएंगे। जैसे मैं प्यारे बच्चों अब शुरू करता हूं प्रीपोजिशन की। इन 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 मैंने क्या होता है कि अंदर, इन मैंने अंदर। अच्छा अब देखिए पूरी तरह अंदर, जैसे मान लो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, सीता इज स्विमिंग इन द रिवर, ऑलरेडी है, ऑलरेडी नदी के अंदर तैर रही है। इस प्रकार से जो है आप पूरी तरह अंदर, स्थान के लिए यदि पूरी तरह अंदर वाला शब्द का भाव आए तो क्या लगेगा, इन। इसके साथ साथ किसी नगर के लिए, अरे बच्चों देखें कि आई लिव इन बड़े शहरों में हो, बड़े शहरों की बात हो तो इन आता है, छोटे कस्बों के लिए एट। जैसे आई लिव इन जयपुर, जयपुर बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग करना है, छोटों के लिए एट का। यदि बड़े और छोटे दोनों इकट्ठे आ जाएं, बड़े के लिए इन और छोटे के लिए एट। जैसे आई लिव एट साधु शहर, साधु शहर इन गंगानगर, इन श्री गंगानगर। इस प्रकार आपने यूज करना है। और इसके साथ साथ हम देखें कि समय, समय के साथ देखो किस प्रकार से यूज करोगे कि देखिए समय फिक्स ना दिया हो। देखें जैसे यदि समय फिक्स ना दिया हो तब भी इन आएगा। जैसे ही विल रिटर्न इन टू आवर्स, ही विल रिटर्न इन टू आवर्स। जैसे शी वॉज बॉर्न इन 1987, she will go to Jaipur, she will go to Jaipur in March। देखें कह रहे हो कि he will return in, वो दो घंटे के अंदर लौट आएगा। उसके बाद है she was born in 1987, उसका जन्म 1987 में हुआ। कोई फिक्स नहीं है, जनवरी भी हो सकती है, दिसंबर भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से फिक्स नहीं है तो क्या आएगा, इन। सो शी विल गो टू जयपुर इन मार्च, इन मार्च। तो मार्च भी कोई फिक्स नहीं है, 1 मार्च भी हो सकती है, 31 मार्च भी हो सकती है। तो यहां भी क्या आएगा, इन का प्रयोग। अच्छा उसके बाद देखें कि जैसे बर्ड इज सिटिंग इन ए ट्री, ए बर्ड इज सिटिंग इन ए ट्री। यहां बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं क्योंकि अपने देसी भाषा में बोलते हैं पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है। आप पेड़ के ऊपर के लिए तो अपने ऑन लगाएंगे, लेकिन यहां इन आएगा। देखिए और का मतलब होता है ऊपर, पेड़ के ऊपर। अब अपने ऊपर कहां कहेंगे, देखो पेड़ के ऊपर कहां कहेंगे, तो वो तो टहनी के ऊपर बैठा है तो पेड़ के अंदर ही होगा। तो
The bird is sitting in the tree. हाँ, अगर branch पर आ जाए, the bird is sitting on the branch आएगा, लेकिन tree के साथ क्या आएगा? In. तो इस प्रकार से मैंने आपको in के प्रयोग बताए. इसके साथ साथ जैसे मान लो fixed ना हो, in the morning or in the evening in the afternoon. इस प्रकार ये in के use हैं. थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा समझा देंगे. अब मैं और आगे चलता हूं. अरे बच्चों देखें कि अब into, in के बाद आ गया into. देखें कि जब in का मतलब होता है अंदर, लेकिन जहां गति का भाव आए, स्थान परिवर्तन का भाव आए. अब जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था, सीता इज स्विमिंग इन द रिवर. स्थान परिवर्तन नहीं है, वो ऑलरेडी नदी के अंदर तैर रही है. लेकिन ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर. राम जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर. देखिए स्थान परिवर्तन हुआ है, बाहर से कूदकर अंदर गया है. तो यहां क्या आएगा? into. गति का भाव आए, वहां क्या आएगा? into. जैसे he fell into the well, he fell into the well, he fell into the well. तो इस प्रकार से देखें कि जहां गति का भाव आए, स्थान परिवर्तन हो, कोई परिवर्तन आए, तो क्या आएगा? into. और इसके साथ साथ देखिए, the ice turned into water. लगभग वैसा ही भाव इसके अंदर आया है कि into. इसके साथ translate into English, अपने कहते हैं translate into English. इस प्रकार से जो है ये into, जहां गति का भाव आए, किसी चीज में परिवर्तन का भाव आए, वहां आएगा into. और अदरवाइज पहले से अंदर हो, जैसे teacher entered into the room, स्थान परिवर्तन है, बाहर से अंदर प्रवेश किया, ये आएगा into. अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं. देखिए अब मैं आगे चलता हूं, अगले प्रीपोजिशन लेता हूं कि at. प्रीपोजिशन है at. देखिए कि at का एक अर्थ होता है, भाव होता है पास. क्या होता है? पास. अब जैसे आसपास कह सकते हैं, अपने देसी भाषा में कहते हैं सीता दरवाजे पर खड़ी है. वो कहां खड़ा है? दरवाजे पर खड़ी है. तो दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ी, दरवाजे के अंदर नहीं खड़ी, दरवाजे के पास खड़ी है. तो इसलिए यहां क्या आएगा? at. जैसे she is standing at the gate, she is standing at the gate. जैसे Hari is at the river. Hari is at the river. अब देखिए, Hari नदी के पास खड़ा है, नदी पर खड़ा है, और नदी के ऊपर नहीं. ये कहा जाता है देसी भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तव में वो क्या है? नदी के पास खड़ा है. और देखें कि घड़ी का टाइम बताने के लिए, घड़ी का टाइम, टाइम बताने के लिए देखें कि she gets up at 4 a.m. The train starts at 10 a.m. फिक्स समय है, तो यहां क्या आएगा? at आएगा. अच्छा, उसके बाद वैसे at बता चुका हूं, छोटे शहरों के लिए
एट, जैसे कि मैंने बताया था कि आई लिव एट साधु शहर इन गंगानगर, यदि दो चीजें आए एक बड़ी हो एक छोटी हो तो बड़ी के साथ इन और छोटी के साथ एट, जैसे मैंने एग्जांपल ये बताया साधु शहर छोटा सा कस्बा है तो साधु शहर आई लिव एट साधु शहर इन गंगानगर। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कि आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, और एग्जांपल आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। यदि दो छोटे और बड़ों की तुलना आ जाए, दो तुलना नहीं मैं कहूंगा कि दो छोटे और बड़ों दोनों का नाम इकट्ठा आ जाए तो छोटे के साथ अपेक्षाकृत छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, और वैसे बड़े शहरों के लिए अकेला है आई लिव इन जयपुर, इस प्रकार से करते हैं। तो अब ये देखें कि वैसे ब्याज की दर बताने के लिए यहां भी क्या आता है कि एट द रेट ऑफ, जैसे द बैंक हैज सैंक्शन्ड द लोन एट 6%, और लेकिन देखें एक बात और है, इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून इन द इवनिंग आता है लेकिन एट नून आता है, नून के साथ क्या आता है एट नून, एट नाइट, एट नून, एट नाइट, इस प्रकार से जैसे देखें बच्चों कि एट के प्रयोग हैं। अब और आगे देखें ऑन, आगे प्रीपोजिशन क्या है ऑन, देखिए ऑन का मतलब क्या होता है ऊपर, ऑन का मतलब क्या होता है ऊपर। देखें जब कोई चीज किसी चीज को स्पर्श करती है तब क्या लिखा जाएगा ऑन, जैसे आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, टच करती है जब कोई चीज दूसरी को तो वहां क्या आता है ऑन। अब देखिए जैसे कि Your pen is on the table. अच्छा उसके बाद देखें जैसे कोई त्योहार है फिक्स डेट को होते हैं, जैसे she came to me on Diwali. अच्छा उसके बाद देखें कोई तारीख फिक्स तारीख बताने के लिए, जैसे आई मे कम ऑन जुलाई 10। अब इसके साथ जैसे दिन है, जैसे अपने कह सकते ऑन फ्राइडे ऑन 10th मार्च, इस प्रकार से अगर देखें ऑन 10th मार्च फिक्स है तब तो ऑन लगाएंगे, अदरवाइज इन मार्च, फिक्स नहीं है तो क्या लगाएंगे इन मार्च। देखिए इसके साथ साथ ये ऑन मैंने ऊपर इसके प्रयोग थे। अब देखिए और आगे चलते हैं ऊपर, ऊपर का जैसे एबो मैंने भी ऊपर होता है। देखिए जब वस्तु ऊपर तो है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है, ऊंचाई फिक्स है, जैसे फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, यहां ऑन नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि टच नहीं कर रहा, तो क्या आएगा द फैन इज अबोव माई हेड, द फैन इज अबोव माई हेड, इस प्रकार से क्या है अबोव का प्रयोग। अब देखिए अपॉन, अपॉन मैंने भी ऊपर, देखिए जब गति का भाव हो ओन के ऊपर गति का भाव हो, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी, तो क
कहने का मतलब गई स्थान परिवर्तन करके गई, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। इस प्रकार जब गति का भाव आए तब क्या आएगा, अपॉन। अब देखें क्या है, और कि और मैंने देखो, जब कोई चीज किसी दूसरी वस्तु को पूर्णतया ढक लेती है तब क्या होता है, ओवर। जैसे मैं कहता हूं कि बेडशीट इज ओवर द बेड, इसका मतलब वो बिछी हुई, देखिए दो बातें हैं, दो बातें हो सकती हैं। जैसे एक तो बेडशीट बेड के ऊपर पड़ी है, तय करके रखी हुई है, वो भी तो बेड के ऊपर है, और एक बेडशीट बेड के ऊपर बिछी हुई है। तो कहने से कैसे पता लगेगा, देखिए अगर मैं कहता हूं द बेडशीट इज ओवर द बेड तब क्या आएगा, बिछी हुई है। अगर मैं कहूं बेडशीट इज ऑन द बेड, तय करके रखी हुई है, जैसे मर्जी। तो इस प्रकार से देखें कि अब मैं कहता हूं पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, तो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा दो। इस प्रकार से जैसे सारे बच्चों मैंने कुछ ये आपको प्रीपोजिशन से संबंधित बताए हैं, और ऐसे जैसे कल वाले वीडियो में और ज्यादा बताऊंगा, दो तीन जो है वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। और आप भी एक बार समझ नहीं आए, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, और फिर भी ना आए आप संपर्क भी कर सकते हैं, और अच्छी तरह समझाया जाएगा। और इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Dear students, thanks.